चुप हो जा यार, प्लीज चुप हो जा मेरे भाई। यार प्लीज इसे घर लेके जाना यार, मतलब जस्ट मैसेज मी व्हेन यू ड्रॉप इट। अरे चुप हो जाना यार, प्लीज जल्दी लेके जाना इसको। हाय, व्हाट्स अप? ये क्या कर रही है? अरे शादी है यार तेरी, और सुनने में यार लड़का बड़ा स्टड टाइप है। तेरा फोन क्यों ऑफ है? I've been trying for the past 4 hours Jay. कहाँ है तू? अरे यार फोन चार्ज करने का टाइम ही कहाँ मिला? मैंने 50 चार्ज चल रही है सुबह से, उसके बाद फिर सब इस है। Why are you up so late though? All okay? या जय, everything is okay. You guys got my 18-year-old cousin drunk. और मेरे घर में इतनी देर से तमाशा हो रहा है और तुम हो कि पिछले 4 घंटे से गायब हो। कहाँ हो? आई सोच रहा हूँ, मतलब मैं एक मिनट, किसको, कौन है? You know what? Let it be. मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बस हुआ, मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं करनी है तुमसे कोई शादी-वादी। Congratulations to you on your wedding. Have a good married life. Good night. यार नताश, wait. On here, pick up. क्या है? यार तू सीधे डांटने क्यों लगती है? अच्छा चल, मान ली तेरी बात, ठीक है, नहीं करते हैं शादी। अब तू स्टार्टिंग से प्लीज बता कि कौन था तेरा कजन? यार अमू, वो भोला चाचू का लड़का। कितनी पिला दी यार तुम लोगों ने उसको, पिछले 2 घंटे से उल्टियां कर रहा है और दादी के पैर पकड़कर माफिया मांग रहे, दादी सॉरी दादी सॉरी, और उसके पेरेंट्स है जो मुझ पे चिल्ला रहे कब से। एक मिनट, अमू ये मतलब अमितेश वो तेरा कजन है? यार बंटी, यार बंटी एक नंबर का। आई एम सो सॉरी यार, हमें पता भी नहीं चला एक लौंडा आया, वो पैग पे पैग बनाया जा रहा है, बंटी भी उसे पिलाया जा रहा है, तो मुझे लगा बंटी का कोई भाई वाई होगा तो एंजॉय कर रहे हैं, मैंने भी कुछ नहीं कहा। सीरियसली जय, आर यू किडिंग मी? वी हैड 1 रूल फॉर द वेडिंग, नो अल्कोहल, जो भी होगा वो हॉल के बाहर होगा सीक्रेटली। आई नो, और सब बाहर ही तो था। बंटी के गाड़ी के डिक्की में अब सब, अब पता नहीं चला उसमें कहां तेरा कजन आ गया यार। देखो जय, अब जो भी है, ये दारू वाली बात ना मेरी पूरी फैमिली पूछ रही है, वो भी मेरे डैड से। कल जाके दादी पता नहीं शादी में क्या सीन क्रिएट करेगी। यू हैड 1 जॉब, टू बी रिस्पॉन्सिबल। यार अम्मू का तो मुझे पता भी नहीं था ना नताशा, एंड सीरियसली टेल मी व्हेन हैव आई बीन इररिस्पॉन्सिबल? लाइक सब कुछ अच्छे से हुआ, एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग यार। नो, you know what, just let it be. No, let's not even go there. It doesn't work like that. Huh? I want to go there. और जो भी बोल दे प्लीज। आज सब बात करते हैं, खत्म करते हैं सब बात करके, क्या होगा मैक्सिमम, शादी टूटेगी ना, टूट जाए कोई बात। See, this is what I'm talking about. Grow up, Jay. I mean, कितना casual हो यार तुम। उस दिन भी पापा को कितना वेट करवाया था, कल भी सुना रहे थे कि बेटा अपने पति देव से बोल देना कि कम से कम फेरों के वक्त तो टाइम पर आ जाए, वरना तुम्हारी शादी तो पंडित से ही करवानी पड़ेगी। नताशा एक महीना हो गया इस बात को यार, I know मेरा टाइम को लेकर इशू है, and I'm working on it। पर तेरे पापा कम नहीं है, वो कहाँ रुकते हैं किसी के लिए, 2 मिनट हुआ कि नहीं कि बस मार्च पास करके निकल जाते हैं। No, Jay. Crossing the line now. What? Seriously? Crossing the line? अब मैं सच बोल रहा हूँ तो crossing the line. वाह। अरे? You know what? You should listen to this. उन्होंने मुझे 5 बजे कॉल किया और बोला कि सूट पैंट पर पहुंचो 5:30 बजे. ठीक है? मंडे की शाम है, भीड़, गर्मी, मर मर के मैं फिर भी पहुंचा 5:40. 10 मिनट लेट, पता चला निकल गई खन्ना बैंक्वेट। मैं खन्ना बैंक्वेट भागा। खन्ना बैंक्वेट पहुंचा तो वहां पे खन्ना रो रहा था। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? वो कहता है कि भाई कोई बड़े साहब आए थे, वो डांट के चले गए। डांट के चले गए मतलब क्या?
तुम्हारी फैमिली का प्रॉब्लम क्या है यार? तुम लोग हर बात पे लोगों को डांटते क्यों रहते हो? अरे वो तेरे फूफा जी, उन्होंने बंटी बेचारे को कितना चिल्लाया यार, कितना डांटा है उससे। बेचारा अपसेट होके सामान वामान पैक करके निकल गया था, उसे कितना मना कर वापस लाना पड़ा था, पता है? कोई तरीका है क्या यार ये? हाँ तो अब 40 रसमलाई की जगह पे 40 किलो मलाई लेके आएगा तो डांट तो पड़ेगी। हाँ वो फूफा जी है थोड़े पैसिव अग्रेसिव टाइप। तो एग्जैक्टली मैं भी वही बोल रहा हूँ ना, मतलब बंटी भी बंटी टाइप है, क्या कर सकते हैं। अरे अगर बंटी बंटी है तो फिर मत लो ना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता है उसकी वजह से सारे रिश्तेदार मुंह फुला के बैठे थे कि भाई शादी का घर है, मिठाई कहाँ है। और एक मिनट, ये हलवाई वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तेरी थी, बंटी कहाँ से बीच में आ गया? हाँ मेरी थी, बट मैं क्या करूँ, तेरे बुआ के काम ही खत्म नहीं होते। वो उन्होंने मुझे कहाँ भेजा पता है, क्या क्या नाम है जगह का, बिछड़ापुर। बिछड़ापुर यार, वो किसी बाबा से कोई पुड़िया लाने के लिए। मुझे लगा रसम के लिए कुछ चाहिए होगा, पंडित जी ने मंगवाया होगा, इम्पोर्टेंट होगा। बाद में पता चला उन्होंने अपने कुत्ते के लिए मंगवाया। रियली यार, ये कौन सा कुत्ता है यार जिसको पॉटी करने के लिए चूरन की जरूरत है। बेबी मुन्ना को डाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, क्या कर सकते हैं यार। तो किसी और से मंगवा लो ना, मैं दूल्हा हूँ यार, थोड़ी तो इम्पोर्टेंस रखो। मैं तुम्हारे मुन्ने का सर्किट थोड़ी हूँ। पर ये क्या नाम हुआ कुत्ते का, मुन्ना? तुम्हारी फैमिली क्या है, मतलब कि चमन है क्या? ओ हेलो, तेरी भी फैमिली में कोई ज्यादा अकलमंद नहीं है, ठीक है? वो तेरे मेरठ वाले मौसा जी, अरे मुझसे मेरी सैलरी पूछने लगे यार। मतलब पीछा छुड़ाने के लिए मैंने भी एक बार के लिए बोल दिया कि हाँ मौसा जी मैं कमा लेती हूँ इतना। तो फिर दूसरे दिन मौसी जी आ गई। शी कॉन्स्टेंटली केप्ट हिंटिंग दैट आई शुड लीव माय जॉब एंड बिकम अ हाउसवाइफ। एंड हाउ थिंग्स डोंट वर्क आउट इफ द वाइफ अर्न्स मोर देन द हस्बैंड। आई मीन कम ऑन बेबी, दिस इज सो ह्यूमिलिएटिंग फॉर मी, फॉर यू। यार वो आई एम सॉरी यार, दिस इज नॉट राइट। I'm so sorry. मैं उनसे कल बात करता हूँ। Don't worry about it, okay? Don't worry about it. I'll talk to them. No, I mean, it's okay. I've dealt with it for now. और वैसे भी तुमने मुझे वार्न किया था कि वो लोग ऐसे हैं। It's just that, yeah, I'm tired, Jay. सब कुछ इतना स्ट्रेसफुल कैसे हो गया यार? याद है जब हमें लगता था दैट कन्विंसिंग द पेरेंट्स वुड बी द हार्ड पार्ट? या आई मीन वो टाइम जब तुम पहली बार पापा से मिलने आए थे, क्या कहा था उन्होंने? फोटो में तो काफी लंबे लगते हो। एंड यू सेड दैट आपसे तो लंबाई है। गुड टाइम सर। यू नो ना कि शादी के बाद थिंग्स माइट चेंज। फन गर्लफ्रेंड नताशा, सेक्सी लॉन्ड्रे, लेट्स गो स्किनी डिपिंग वाली नताशा, वो शायद चेंज हो जाएगी। पहले बोलती ना, ये मॉल्डीव्स का हनीमून पैकेज नहीं बुक कराते, कुल्लू मनाली चल सकते थे, यहाँ तक स्वेटर पहनते, क्या मजा आता। शट अप यार। Yeah, but honestly, ये बॉयफ्रेंड से हस्बैंड बनने का मुझे बहुत स्ट्रेस है यार। एंड आई नो थिंग्स विल चेंज, या बाउंड टू। इट्स जस्ट दैट आई कांट बिलीव इट यार। आई मीन याद है जब हम पहली बार मिले थे? कितना टाइम हो गया? 6 साल। मैं 23 साल का था उस वक्त, बच्चा था यार मैं। मैन चाइल्ड बोलते उसको, वो तो तुम अभी भी हो। But I still remember, you were just an idiot I liked in office. And frankly, मुझे लगा नहीं था कि हमारा इतना लंबा चलेगा। Wow, that's just me. Oh, come on. Don't act as if तुम बहुत सीरियस थे। मैं भी कहाँ इतनी सीरियस थी। And maybe that's what made us fall in love. Everything was just so simple, yeah. है ना? True. यार नताशा, ये क्या हो गया यार, हमारे बीच इतने सारे लोग क्यों आ गए हैं? पता है जब से फैमिलीज इन्वॉल्व हुई है ना, तब से ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी हो रही है एंड वी आर जस्ट गेस्ट्स इन आवर ओन वेडिंग। यू नो व्हाट, टू हेल विद देम, दिस इज अबाउट अस।
It always was, right? है ना? I mean, मैं भी क्यों सहूं ये मौसा मौसी जी की मिसोजनी और ये अम्मू, हेलो, उसके पेरेंट्स मुझे क्यों गाली दे रहे हैं यार? मेरी शादी है तो मैं अम्मू को संभालूं या अपनी शादी में मजे करूं? Exactly. God, मेरे सारे दोस्त कितनी दूर दूर से आए पता है, मुझे उनके साथ बैठ के बातें करनी है, डांस करना है, मुझे तेरे साथ डांस करना है। I know, यार, और यार मुझे तो तेरे साथ बैठ के खाना खाना है यार। मतलब एक महीना हो गया है शांति से आराम से बैठकर मैं तेरे साथ खाना नहीं खा पाया हूँ। This is not right. कल खाएंगे ना फेरों के बाद, बहुत सारा 1500 की प्लेट फुल वसूल करेंगे। But I really need a drink right now. Good idea. एक काम करना, अम्मू को बोल 2 मिनट में पैक बना के दे देगा। Then you'll know what I'm talking about. बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना तुझमें, 18 साल का है यार। तो कैपेसिटी 30 वाली है उसकी, हमारी आधी दारू पी गया आरामी। ये सही रिलेशन है उसके साथ साला। I think अब हमें सो जाना चाहिए। 4 घंटे में शादी है। I know. टाइम पर पहुंच जाना। Of course. वरना हमारे कमांडर साहब तेरी शादी पंडित जी से करवा देंगे। ऐसा होने नहीं देंगे हम। Exactly.